हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी नेट पेपर वन और ट्रूमैन की सीरीज में आज का टॉपिक है स्वयं प्रभा। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद करने की, और ये तो एजुकेशन या पेपर टू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कहीं पर भी आईसीटी या कुछ भी चीज दे रखी है तो। ओके, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब करना बनता है। ओके, स्वयं प्रभा, तो स्वयं की फुल फॉर्म जो थी वो तो एक, अगर सिंपल स्वयं हो तो हमें फुल फॉर्म पता है उसकी, अगर स्वयं प्रभा आ गया तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिस मिनिस्ट्री को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं 2019 के बाद। ओके, 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स हैं जी, DTH डायरेक्ट टू होम, यानी टीवी पे आपको डायरेक्ट घर पे एजुकेशन मिलेगी, चैनल पे पढ़ाया जाएगा जैसे चैनल पे टीवी देखते थे। 24/7 जो है वो बेसिस रहेगा, अवेलेबल रहेंगी चीजें। इट हैज करिकुलम बेस्ड ऑन कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन, तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग चैनल, 34 चैनल्स है ना, तो अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग चीजें चलती रहेंगी, जो आपने देखना है जिस क्लास में आपका बच्चा है उसको दिखाइए, ठीक है। प्राइमरी एम क्या है, जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर भी लर्निंग रिसोर्सेज को एक्सेसिबल करवा सकें, बट इंटरनेट अभी भी एक चैलेंज है, तो इंटरनेट चैलेंज वहां पे, अगर इंटरनेट है तो स्वयं से हो जाएंगे, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है और टीवी है तो टीवी पे स्वयं प्रभा से भी हो जाएंगी चीजें, तो टीवी तो होता ही आजकल तो घर में सबके, ठीक है। DTH चैनल्स जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, GSAT-15 सैटेलाइट यूज हो रहा है, ये सैटेलाइट भी पूछ लिया जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये, 15 मतलब इसका नाम GSAT-15 है, तो इसका नाम याद रखिएगा, नाम पूछ लिया जाता है। अब स्वयं प्रभा में हर 4 घंटे में एक नया कंटेंट डलता रहेगा, ठीक है, तो 5×20 यानी वो, और वही कंटेंट रिपीट होगा 5 बार, तो ये याद रखिएगा, हर 4 घंटे में नया डलेगा और वो रिपीट होता रहेगा। इन्फ्लिपनेट जो है वो इन सेंटर्स को मेंटेन करता है, सेंटर्स कहाँ है, मेजर जो चैनल्स जहाँ से लिंक्ड अप हैं वो बाइजैक, ये क्या बोलते हैं, गांधीनगर, ठीक है। कंटेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, नैपटेल, IITs, UGC, CEC, IGNOU, NCERT, MOS, तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट। इन्फ्लिपनेट जो है वो सेंटर मेंटेन कर रहा है, कमेंट करके इन्फ्लिपनेट की फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ये भी पूछी जाती है। ओके, DTH चैनल्स क्या कवर करेंगे, हायर एजुकेशन भी कवर करेंगे, स्कूल एजुकेशन कवर करेंगे 9 to 12 की, और करिकुलम बेस्ड कोर्सेज भी इसमें होंगे। अगर करिकुलम बेस्ड कोर्सेज हैं जो कि आपको इंडिया या कहीं पर भी आप जो लर्नर्स हैं, मतलब जहां पे भी आप पढ़ना चाहेंगे, आपकी नीड्स को फुलफिल करें, प्लस असिस्ट करेंगे ये स्टूडेंट्स को, कौन से स्टूडेंट्स को, 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसकी भी तैयारी आपकी करवाई जा रही है, ठीक है। ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करने वाली, अगर आपसे याद हो पाए तो, क्योंकि चैनल नंबर 3 पूछ रखा था इस बार एजुकेशन के पेपर में, तो जब एजुकेशन के पेपर में पूछ लिया तो पेपर 1 में भी तो पूछा जा सकता है ना, कि चैनल नंबर 3 जो है वो किसके लिए है, या ये पूछा गया सोशल साइंस का सब्जेक्ट कौन से चैनल पे पढ़ाया जा रहा है, ओके, या प्रबोध नाम से पूछ लिया, तो आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा मतलब फुल क्वालिटी में करके, या फिर आप जो है स्वयं प्रभा की लिस्ट अगर निकालेंगे ना, लिस्ट ऑफ चैनल्स, तो वो निकाल के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जितना पोर्शन आपका इसमें से याद हो पाए ना कर लीजिएगा। ओके, जैसे चैनल नंबर 1 है, वागीश सीईसी और यूजीसी इसको हैंडल कर रहे हैं और मतलब मैनेज कर रहे हैं, और ह्यूमैनिटीज जो है, और चैनल ह्यूमैनिटीज लैंग्वेज और लिटरेचर इनका चैनल है ये। चैनल 2 की बात करें, संस्कृति सीईसी और यूजीसी, ह्यूमैनिटीज 2 का ये, ह्यूमैनिटीज 2, आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी और रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसे चैनल्स हैं बहुत सारे, सोशल साइंस का था ये, सोशियोलॉजी या सोशल साइंस का पूछा गया था, तो सोशल साइंस का पहला चैनल जो है वो 3 नंबर पे है, चैनल नंबर 3। तो चैनल 1 से 10 तक देखेंगे तो सीईसी उनको मैनेज कर रहा है, 11 से 18 तक देखेंगे तो नैपटेल उनको मैनेज कर रहा है, 19 से 22 देखेंगे तो वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, मैनेज्ड बाय IIT दिल्ली, ठीक है। और उसके बाद 23 और 24 चैनल इग्नू मैनेज कर रहा है, 25वां चैनल NIOS ओपन स्कूलिंग वाला DLED के लिए, देन है 26वां चैनल है वो भी इग्नू, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, ये NIOS और ये इग्नू, 26 चैनल, देन 27 और 28वां चैनल NIOS,
सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो ये पूछा जा सकता है कि हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के लिए कौन सा चैनल नंबर है, तो 28वां चैनल नंबर है और NIOS मैनेज कर रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जी, जितनी हो पाए उतनी कर लीजिएगा श्रद्धा अनुसार। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, क्रैमिंग वो उनसे जल्दी हो जाती है, याद रहता है उनको एक बार पढ़ते ही, तो वो बेहतर है अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप इनको याद कर लें, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आने वाले टाइम में। चैनल 29 जो है वो UGC इंफ्लिपनेट मैनेज कर रहा है गांधीनगर, ये PG सब्जेक्ट्स और योगा के लिए है, और ये लिस्ट जो है वो इसमें ट्रूमैन की बुक में दे रखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था, हम लोगों ने कभी रटी नहीं थी ये चीजें, सो वो क्वेश्चन ऑब्वियसली फिर गड़बड़ हो जाता है। ओके, PM विद्या की बात करें, क्लास 11th के लिए 33वां चैनल PM ई विद्या, और ये 34th चैनल जो है वो 12th क्लास के लिए। ओके, सो इस बुक में मुझे ये अच्छी चीज लगी कि ये लिस्ट इन्होंने दे रखी है, तो ये लिस्ट आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, सो इतनी चीजें एटलीस्ट स्वयं प्रभा से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्यूटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।